All right, so hey guys, I'm back to my channel with a new video. Okay, so guys, आज की फोटो में हम एक मदर्स डे पर एक फोटो मैनिपुलेशन क्रिएट करने वाले हैं. सो गाइज, ये काफी ब्यूटीफुल होने वाला है वीडियो. सो वीडियो को एंड तक देखना है, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको. ओके, सो चलते हैं फोटोशॉप में. एंड ये फोटोज है जो हम यूज करने वाले हैं, एंड आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सो आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ फोटो को, एंड इसको हमें कट करना है. सो मैं यूज करने वाला हूँ पेन टूल, एंड काफी इजीली उससे हम क्रॉप कर लेते हैं फोटो को. सो मैं स्टार्ट करता हूँ फोटो क्रॉप कट करना. ओके, सो गाइस, हमने सिलेक्शन कर लिया है, एंड मैं आप कमांड देने वाला हूँ कंट्रोल एंटर, एंड देख सकते हैं इसका सिलेक्शन जो था सो वो यहाँ पे आ चुका है. एंड मैं यहाँ पे मास्क यूज करने वाला हूँ मास्क, एंड देख सकते हैं आप जो हमारे हेयर थे जो लेडी के, सो ले यहाँ पे हेयर वगैरह थे, लेयर्स वगैरह, सो यहाँ से वो भी रिमूव हो चुके हैं. सो मेरे को वो भी सिलेक्ट करनी है, सो उसके लिए मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ रिफाइन मास्क, एंड यहाँ पे सिलेक्शन करना है हेयर को. ओके, एंड यहां पर भी है. ओके, सो ओके कर लेते हैं, एंड देख सकते हैं हमारा जो हेयर है सो वो एक एक लेयर हमारी जो थी हेयर की सो वो भी सिलेक्ट हो चुकी है. ओके, सो चलते हैं, अब हम एक न्यू पेज ले लेते हैं कंट्रोल एन, एंड यहाँ पे साइज है सो फोटो का जिस पे हमें वर्क करना है, सो मैं ये साइज ले लेता हूँ, एंड ओके. एंड इस फोटो को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से. ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है, एंड इस फोटो को मैं क्रॉप कर हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है. एंड हमारी जो सेकंड फोटो है सो उसको यूज करना है, तो उसको भी ड्रॉप कर लेता हूँ मैं नीचे, एंड मैं कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर. एंड इसको बैक में कर देता हूँ मैं, एंड थोड़ा सा लार्ज. एंड थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पर. ओके, एंड जो हमने क्लाउड सो बैकग्राउंड में यूज किया है सो उसको मैं मास्क यूज करके इसका जो ब्लू वाला पार्ट है स्काई वाला सो उसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे जिस तरह से. एंड चलते हैं हमारी थर्ड फोटो पे, सो ये स्काई है सो इसको मैं यूज करने वाला हूँ, एंड मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ कुछ इस तरह, एंड इसको भी बैक में कर देते हैं क्लाउड के बैक में. ठीक है, इसका यहाँ पे देख सकते हैं आप कट जो इसका कट है सो वो यहाँ पे शो कर रहा है, सो उसको भी मास्क लेकर ऐसे ग्रेडियंट लेकर इसको रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है, ओके, एंड मैं इसको थोड़ा सा टॉप पे कर देता हूँ, देन ओके. एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमने सिलेक्शन किया था सो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कट है सो वो यहाँ पे प्रॉपरली शो कर रहा है, सो उसको मेरे को मर्ज करना है क्लाउड के अंदर. सो मैं मास्क पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ब्रश टूल ले लेता हूँ सॉफ्ट वाला. ओके, एंड यहाँ से इसको कुछ इस तरह से रिमूव कर देते हैं. इससे कि ये प्रॉपरली क्लाउड में मर्ज हो जाए. ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे क्लाउड वाला ब्रश भी डाउनलोड कर रखा है सो इससे भी हम कर सकते हैं. ओके,
यहाँ पे मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ एक, एंड यहाँ पे एक कलर पिक कर लेता हूँ, ये वाला एंड इसके ऑपोसिटी कर देता हूँ 50, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से शेड दे देते हैं क्लाउड की, ठीक है। ओके सो हमने फोटो को सेट तो कर लिया है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ओके सो हमने इसको मर्ज कर लिया है क्लाउड पे, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सो यहाँ पे हमें लाइटिंग करनी है, एंड थोड़ा सा इसको सेट करना है फोटो को। ओके सो मैं यहाँ पे जो क्लाउड है सो इसका ब्लू कलर जो है सो उसको मेरे को हाइड करना है, सो मैं एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड हू सैचुरेशन ओके एंड फिल ऑन द लेयर, एंड जो इसका सैचुरेशन वाला पार्ट है सो उसको कम कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे -50 कर देता हूँ, एंड देख सकते हैं आप इसका ब्लू वाला पार्ट जो था सो वो थोड़ा सा हाइड हो चुका है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ओके -75 कर लेते हैं, ठीक है। सो डन, ये ठीक लग रहा है, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर जाने वाला हूँ, एंड यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ कलर। सो मैं पहले सॉफ्ट वाला ब्रश ले लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ ये वाला। सो एंड इसकी थोड़ी सी लाइटिंग करनी है, सो पहले ऑपोसिटी 100 कर लेते हैं, एंड यहाँ पर मैं स्क्रीन ओके सो मैंने यहाँ पर लाइटिंग यूज की है, एंड पिंक कलर की थोड़ी सी, एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर और ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये वाला कलर, एंड इसको भी मैं लाइटिंग करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे भी इसको स्क्रीन कर देते हैं, देन ओके ओके सो इट सेट हो चुका है, एंड यहाँ पर मैं एक और लेयर ले लेता हूँ न्यू, एंड थोड़ा सा डार्क पिंक लेके यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा राइट में कर लेते हैं इसको, लेफ्ट में, देन ओके ठीक है। सो ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे लाइटिंग हमने कर ली है, एंड ऐसे ही मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, एंड फिल कर देता हूँ ऑल्ट के साथ इसको लेयर में, जिससे कि जो भी काम करें वो इस पे ही वर्क करे जो भी हमारी जो मॉडल है। सो मैंने वाइट कलर पिक करना है मेरे को, सो एंड यहाँ पर मैं इसको फिल कर देता हूँ थोड़ी सी लाइटिंग टाइप यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर एंड इसको ब्लेंडिंग मोड में जाके मैं सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। ओके सो ये ठीक लग रहा है, एंड अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ फोटो पे। सो ये फोटो है फॉग, सो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर इसको सेट करते हैं। एंड इसको मैं मास्क यूज करके इसका जो कट शो कर रहा है सो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ऐसे, एंड कंट्रोल टी करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एंड कंट्रोल जे करके मैं एक और ले लेता हूँ, एंड इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरह से कुछ, एंड यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, एंड ठीक लग रहा है ओके। एंड जो हमारी लेयर है सो जो मदर वाली लेयर है सो उस पर क्लिक करना है, एंड उसके नीचे बॉटम पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ मैं, एंड ब्रश लेने वाला हूँ मैं हाईलाइट वाला ब्रश। सो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, एंड इसका आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। एंड इसको मैं यहाँ पे इसके बैक में सो थोड़ी सी लाइटिंग देने वाला हूँ कुछ इस तरह से,
ओके। एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको स्क्रीन, देन ओके। ओके सर, लाइटिंग हमने कर ली है। एंड मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सो ग्रेडियंट, एक न्यू लेयर ले लेता एंड ब्लैक कलर। एंड यहाँ से मैं ग्रेडियंट यूज कर लेता हूँ एंड इसकी ऑपोसिटी 50 कर देते हैं, सो 25 ठीक रहेगा। ओके एंड इसको थोड़ा सा बॉटम पे नीचे कर देते हैं, देन ओके। एंड अब हमें क्या करना है, सो यहाँ पर जो है जो हमारी मदर वाली लेयर है सो उस पर क्लिक करना है एंड एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करना है। एंड मैं जाने वाला हूँ कलर बैलेंस में, सो उसका थोड़ा कलर बैलेंस मेरे को ठीक करना है। सो मैं थोड़ा ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे 20 एंड थोड़ा सा सियान सो माइनस 50 एंड ओके। एंड देख सकते हैं सो इसकी येलो जो येलो था तो वो थोड़ा कम हो चुका है एंड थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का इसमें कलर हो चुका है, ठीक है। सो अब चलते हैं हम सबसे टॉप पर एंड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ न्यू लेयर एंड यहाँ पे मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्लाउड यूज करने वाला हूँ। सो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा ये ब्रश का। सो यहाँ पे मैं इसको एंड ब्लैक व्हाइट लेना है, एंड इसको कुछ इस तरह से मैं फिल कर देता हूँ। एंड इसकी ऑपोसिटी कर देता हूँ मैं 50, ओके। एंड ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पर भी ले लेते हैं, ओके। एंड हमने सेटिंग सेट वेट कर लिया है, सो इसको कैसे मतलब एडजस्ट कर लिया है। एंड अब हम चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर में, सो कंट्रोल न्यू लेयर ले लेते हैं एंड इमेज अप्लाई इमेज एंड ओके। एंड फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर, ओके। सो गाइस हम आ चुके हैं कैमरा रॉ फिल्टर में। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर देख सकते हैं आप टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर में थोड़ा सा करने वाला हूँ सो -5 एंड जो टिंट है सो उसको थोड़ा पिंक शेड, सो मैं टिंट को करने वाला हूँ -10, ओके। एंड एक्सपोजर जो है सो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, सो यहाँ पे -25 कर देता हूँ। एंड कंट्रास्ट को यूज करना है सो यहाँ पे 10 एंड हाईलाइट भी कर देते हैं सो 20 एंड शेडो थोड़ी सी कम सो -10 कर देते हैं। एंड वाइटनेस जो है सो थोड़ी सी ज़्यादा करनी है सो 10 कर देते हैं, सो 20 करते हैं। एंड ब्लैक को थोड़ा सा करते हैं -20, सो शेडो फिर हम बढ़ा देते हैं सो 10 कर देते हैं। एंड क्लियरिटी करनी है हमें यहाँ पे सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30, ओके। एंड विब्रेंस जो है सो उसको यहाँ पे यूज करना है सो उसको भी कर देता हूँ मैं 20, ओके। एंड चलते हैं हम यहाँ पे HSL में। एंड HSL में हमें क्या करना है, सो ब्लू वाला पार्ट है सो उसको यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट करना है सो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ एक्वा कलर को। एंड ब्लू को कर देता हूँ यहाँ से 30 एंड ओके। सो यहाँ पे ओके कर लेते हैं एंड देख लेते हैं फोटो, सो ठीक लग रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कलर बैलेंस, सो मैं इसको फिल नहीं करने वाला लेयर में, मेरे को प्रॉपरली ऊपर ही चाहिए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा 10 कर देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा -10, ठीक है, ओके। सो इसके बाद हमें क्या करना है, सो एडजस्टमेंट आइकन पे जाना है एंड ऊपर देख सकते हैं आप ग्रेडियंट है सो मैं ग्रेडियंट यूज करने वाला हूँ उसमें ब्लैक। एंड देख सकते हैं सो ये वाला ग्रेडियंट है एंड ये ऑब्वियसली सभी में होता है फोटोशॉप में। एंड इसका स्टाइल जो है सो रेडियल कर देते हैं एंड एंगल रहेगा 90 डिग्री एंड स्केल जो है सो यहाँ पे इसको कर देते हैं 125 एंड इसको रिवर्स कर देते हैं कुछ इस तरह से एंड ओके। एंड इसको मेरे को बीच में फोकस देना है सो मैं ये क्या करने वाला हूँ, सो मास्क यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ब्लैक कलर सो वहाँ पे वाइट कलर है मास्क में सो यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करना है। एंड इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से
एंड मैं यहाँ पे वन क्लिक कर देता हूँ। ओके एंड थोड़ा सा छोटा करके सो यहाँ पे बीच में फोकस देना है मेरे को, ठीक है। ओके एंड इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ 50 75, देन ओके। सो आप देख सकते हैं हमारी फोटो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है एंड कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो सो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो एंड डीएम करो। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।